व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जी टी एक्स 650 टी आई 1 GB का GPU है, उसके ऊपर जी टी ए 5 को रन करके देखेंगे कि ये हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देता है जी टी ए 5 के ऊपर ग्राफिक कार्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा ग्राफिक कार्ड जो है एनवीडिया जी टी एक्स 650 टी आई है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाए। एनवीडिया जी फोर्स जी टी एक्स 650 टी आई एंड 1024 MB मीन्स के 1 GB। एंड जो अपनी जो कंप्यूटर है वो दिखा दूँ, रैम दिखा दूँ अपनी आपको, कोर i5 4th जनरेशन 3.2 12 GB रैम है, विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल्ड हुई है, वरी एन 22S2। चलिए आप जी टी ए 5 को रन करके देख लेते हैं कि ये हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। तो दोस्तों, गेम में हम आ गए हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अपनी ग्राफिक सेटिंग्स दिखा दूँ कि मैंने किस पर रखी हैं। ये आप देख सकते हैं 720p रेजोल्यूशन है, डायरेक्ट एक्स 11 है एंड बकाया ये सारे हाई हैं। नीचे टेक्सचर क्वालिटी, शेडो क्वालिटी, शेडर क्वालिटी सारा कुछ हाई पे रखा है। एंड अब मैं दिखा दूँ कि देख सकते हैं, ज़रा भी लैग नहीं है इस पर। आपको थोड़ी सी कार्ड ड्राइव करके दिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉपर Come तरीके से पता on, चल जाए कि lady. ये Don't ग्राफिक hide. कार्ड हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देता है इस ग्राफ सेटिंग पे। तो ये देख सकते हैं स्मूथ चल रही है, कोई ज़रा सा भी लैग नहीं है। ये मैंने रिकॉर्डर लगाया हुआ है, अगर आप रिकॉर्डर उतारेंगे तो कम से कम ये आपको 90 FPS देगा इस सेटिंग्स पे। मुझे अभी कुछ 70-75 FPS शो हो रही है, क्योंकि साथ मैंने एनवीडिया का रिकॉर्डर लगाया हुआ है। अगर आप रिकॉर्डर नहीं लगाएंगे तो आपको कम से कम के 90 FPS शो करेगा। तो ये आप इस पे, ये ग्राफिक्स कार्ड जो है ये मिड एंड गेमिंग के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है ये। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने मिड एंड गेमिंग करनी है तो ये आप ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं यहाँ पे कोई गन फाइट फायरिंग करके दिखा दूं। यहाँ से गन सेलेक्ट करते हैं, गन फायरिंग भी आप देख सकते हैं जरा सा भी लैग नहीं है, मेरे हो रहा। तो आप एक कोई गाड़ी पकड़ कर ठोक के देखते हैं तो उसके में क्या। क्योंकि अक्सर जब हम गाड़ी को किसी गाड़ी के साथ लगाते हैं तो वो बड़ा ही लैग होने लग जाती है, तो वो भी आपको मैं सही चेक करके दिखा देता हूँ कि देख गाड़ी माशाल्लाह से बड़ी स्लो है, पर वो लगा के इसको किसी के लिए मारते हैं। यहाँ से आपको उसकी ग्राफिक सेटिंग्स दिखा दूँ कि मैंने जोन से ऊपर लिखा है वो उसी तरह है। देख सकते हैं आप, डायरेक्ट एक्स 11 है 1080p। उसके बाद यहाँ से पॉपुलेशन वाइटिंग ये सारे नॉर्मल्स हैं, सारे देख सकते हैं आप, ऑल नॉर्मल पे रख के आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं कितनी बेस्ट चल रही है, ज़रा भी लैग नहीं आ रहा इस ग्राफिक्स कार्ड पे। ये मिड एंड गेमिंग के लिए बेस्ट ग्राफिक कार्ड है। अब आपको थोड़ी कार चला के दिखा दूँ, यहाँ से कार ले ली मैंने, इसको भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि देख सकते हैं स्मूथ चल रही है, ज़रा भी लैग नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। थोड़ी सी मैं आपको ज़्यादा चला के दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाए कि ये किस तरह चल इस पर गेम चलती है। उसके बाद आपको उस पर गन फायरिंग भी करके दिखा देता हूँ कि उसमें परफॉर्मेंस तो नहीं ड्रॉप होती हमारी, ये देख सकते हैं। ये इस पर भी ज़रा कोई मसला नहीं है, इस पर भी बेस्ट चल रही है, ज़रा भी लैग नहीं है, बेस्ट चल रही है इस पर भी। ये देख, इसकी ग्राफिक सेटिंग्स है वो दिखा दूँ कि मैंने किस पर रखी हैं। ये हमारा आगे ग्राफिक सेटिंग्स 1080p है एंड ये तीनों हाई हैं, सारा कुछ हाई है कि आप देख सकते हैं। एंड अब मैं आपको ये गेम है ना प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ज़रा भी लैग नहीं है, ये मुझे ओपर FPS शो हो रही है, आपको नहीं होगी क्योंकि ये मेरा मैंने सॉफ्टवेयर किया था इसलिए। तो ये तकरीबन जो 50 FPS हमें ना दे रहा है इतने फुल हाई ग्राफिक्स पे, हालांकि 1 GB का ग्राफिक कार्ड है। एंड अब मैं आपको यहाँ से कार भी थोड़ी सी चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सही पता चल जाए। ये देख सकते हैं इतना हास लैग नहीं है, हल्का फुल्का फ़र्क है, लेकिन अगर आप नॉर्मल पे खेलेंगे तो ये आपकी बेस्ट चलेगी। ये भी मैं गेम प्ले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ साथ एनवीडिया रिकॉर्डर के साथ, इसलिए थोड़ी सी लैग हो रही है, वरना ये भी लैग आपको देखने को ना मिलेगा अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो। तो ये इतना हास लैग नहीं है, यानी कि हल्का फुल्का ही लैग है। इसके बाद इसके अलावा मैं आपको जो फायरिंग वगैरह थोड़ी करके दिखा दूँ ताकि आपको सही पता चल जाए। ये गन हमारे पास ले लिया हमने, ये फायरिंग में भी हमें कोई इतना हाफ लैग देखने को मिला नहीं। तो इस तरह आप लोग इस ग्राफिक कार्ड पे खेल सकते हैं, ये बेस्ट ग्राफिक कार्ड है मिड एंड गेमिंग के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल पर कमेंट करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।